हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो DTSSB की तरफ से एक और नोटिस जारी हुआ है जो कि है PGT कंप्यूटर साइंस फीमेल के लिए, और इसका पोस्ट कोड है आपका 30/22। तो ये बेसिकली कल की डेट में ये जारी हुआ था नोटिस, और इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये एक एक्चुअली कट ऑफ को लेकर के है। कट ऑफ आपकी रिलीज़ हो गया है इस पोस्ट कोड की, और इसमें बेसिकली जो रिटर्न एग्ज़ामिनेशन में कैंडिडेट्स ने भाग लिया था वो थे 774, और ये जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो आपका हुआ था 21 नवंबर 2022 को। तो इसमें जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनका यहाँ पर संख्या भी दी गई है और उनका स्कोर भी दिया गया है। जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी से, तो ये लगभग 18 कैंडिडेट्स इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। EWS से 6 कैंडिडेट्स, OBC से 18 कैंडिडेट्स, SC से 8 कैंडिडेट्स, ST से 3, और PH से कोई भी क्वालिफाई नहीं किया है। यहाँ पर कट ऑफ जो मार्क्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 158.29, EWS के लिए 120.69, और OBC के लिए 140.79, SC के लिए 134, ST के लिए जारी हुए हैं 104.11। तो ये आपके बेसिकली कट ऑफ मार्क्स हैं। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनको ईडोजियर अपलोड करने के लिए टाइम मिलेगा लगभग 15 दिनों का, और ये जो आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा ईडोजियर अपलोड करने के लिए, ये होगा 21 मार्च को। 21 मार्च से 4 अप्रैल तक का आपको मौका दिया जाएगा ईडोजियर अपलोड करने के लिए। तो इसी बीच आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके कंप्लीट भी करने हैं और अपलोड भी करने हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।